नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र लोधी, चेंजिंग वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली स्टडी टाइम में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, स्टडी ग्रुप पर शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, जिससे मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपको नई वीडियो मिल सके और आप जो चैप्टर चल रहा है उससे वंचित ना हो सकें। तो फ्रेंड्स, अब हमारी दो तीन दिन रेगुलर बायोलॉजी की क्लास कक्षाएं निरंतर चलती रहेंगी, क्योंकि बायोलॉजी हमारी कंप्लीट करना है। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है, जो डेली का होता है, आज बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट सेशन है। तो चूंकि आपको पता है, जैसा कि हमारी जो रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं वो स्क्रीन वीडियो के हिसाब से चल रही हैं, तो उस पर जो जो डिस्कशन वाली चीज़ होगी मैं बोर्ड पर आपको डिस्कशन कर दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा 11 पार्ट पूरा हो चुका है, आज 12 पार्ट के बारे में जानेंगे। तो हमारा 12 पार्ट है जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके प्रयोग, तो बायोलॉजी है आज, तो उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। दोष मुक्त कृषि कहते हैं, दोष मुक्त कृषि क्या होती है, किसके बारे में जानेंगे, दोष मुक्त कृषि, दोष मुक्त कृषि क्या है, कह रहा है दोष मुक्त कृषि क्या है, मतलब समझिए जो दोषों से मुक्त होती है, जो लंबे समय तक टिकाऊ होती है, जिसका उपयोग लंबे समय तक किया जाता है, वो आपकी दोष मुक्त कृषि कहलाती है। क्या हुआ है आपको पता है, जैसे आप जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जो कृषि है, हाँ उत्पादन तो बढ़ा है, जो आप जैसे एकड़ पे आप 20-20 बोरा जो हेक्टर है उत्पादन अधिक कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कारण है क्या है, जो दोष मुक्त कृषि, आपकी कृषि कब दोष से मुक्त हो सकती है और आपका क्या कारण है जिसके कारण उत्पादकता बढ़ी है, और इसका कारण भी क्या है। तो इसका कारण, मुख्य कारण है कि आप जो जैव रासायनिक जैव रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कृषि में जो कीटनाशक है, उसके कारण तो आपकी जो है कृषि की मतलब उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन जो क्या है कि जो रासायनिक के कारण धीरे धीरे जो आपकी जो भूमि है उसकी उर्वरकता शक्ति कम होती जा रही है, जिसके कारण आप उत्पादन तो अधिक कर रहे हैं लेकिन आपको ये भविष्य में महंगा पड़ जाएगा। क्या, जो आप रासायनिक खेती का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति निरंतर कमती जा रही है, तो इसका जो मुख्य कारण क्या है, आपको कार्बनिक खेती का प्रयोग करना। तो कार्बनिक खेती का प्रयोग क्या है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो आपको रासायनिक खेती में, सॉरी दोष मुक्त कृषि में क्या लिखना है कि दोष मुक्ति कृषि क्या है, तो दोष मुक्ति कृषि वह है जो लंबे समय तक टिकाऊ होती है, मतलब कह रहे हैं कि रसायनों के प्रयोग से तो भूमि में जो मतलब अपना उत्पादन है वो तो बड़ा है, लेकिन जो भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए उपाय, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए और क्या है, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता हो रही है, मतलब मृदा की, वो धीरे धीरे हमारी क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, इससे क्या हो रहे हैं, जो इसका मुख्य कारण क्या है, इसके जो निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसका जो निवारण है आपको कार्बनिक खेती करना चाहिए। कार्बनिक खेती, आपकी कार्बनिक खेती में क्या करना चाहिए, कार्बनिक खेती का अभिप्राय है कृषि उत्पादन की पद्धति से है, कृषि उत्पादन की पद्धति में, इसमें ना कि रासायनिक पदार्थों का से कुछ लेन देन है, मतलब इसका कहना यह है कि भैया जो कार्बनिक खेती है इसमें जो संश्लेषित उर्वरक कीटनाशक निंदाशक और आपको जो उत्पादकता बढ़ाने से है, मतलब इसके माध्यम से क्या है कि जो आपकी जो कार्बनिक खेती है, इसका महत्व जो आपको बता दूं कि ये आपकी जो है कार्बनिक खेती, इसका है कि जो जैविक खाद्य पदार्थों से है, फसल चक्र का पालन करने से, मतलब फसल चक्र क्या होता है कि जो फसलें हैं उनको अदल बदल कर बोना ही आपका फसल चक्र कहलाता है। जब तक आप जब अगर आप फसल चक्र का पालन करते हैं तो आपकी भूमि की कभी भी उर्वरा शक्ति कम नहीं होगी, जैविक खादों का आप प्रयोग करेंगे या कार्बनिक खेती, इसी प्रकार से जो कार्बनिक खेती है आप इसमें निश्चिंत मन से लिख सकते हैं, इस प्रकार की कार्बनिक खेती में का अभिप्राय इससे नहीं है कि रासायनिक से, रासायनिक का प्रयोग करने से भूमि की आपको पता ही है उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, लेकिन कार्बनिक खेती अगर आप करोगे तो मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उत्पादन कम होगा लेकिन कैसा होगा, अच्छा होगा, जो स्वस्थ पर
लाभदायक होगा। और जो हम रासायनिक खेती कर रहे हैं तो उसका स्वास्थ्य पर आपको कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेजिक्स क्या है? यूनेजिक्स 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 क्या है? तो फ्रेंड्स जो यूनेजिक्स क्या है, तो यूनेजिक्स वह विधि है जिसमें मानव के जो अनुवांशिक रोगों को सुधारने का प्रयोग मतलब प्रयास किया गया है। मतलब हम कैसा लिख सकते हैं कि अनुवांशिक वह विधि है इससे मानव की भावी पीढ़ी को सुधारने का प्रयास किया गया है, यूनेजिक्स कहलाती है। तो सबसे पहला इसमें मतलब क्या लिखेंगे कि उनको प्रोत्साहन किया गया। प्रोत्साहन किसके लिए प्रोत्साहन किया गया? स्वस्थ व्यक्तियों को, मतलब शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रोत्साहन, शारीरिक एवं मानसिक रूप से इनको प्रोत्साहित किया गया है। और इसके बाद हम लिखेंगे कि जो विकृतियों को, मतलब जो शारीरिक मानसिक रूप से जो विकृतियां हैं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से, एवं मानसिक रूप से क्या है, जो हमारी रूप से क्या है विकृतियां हैं, इनको दूर करने का प्रयास किया गया है। तो इनको क्या करा गया है? दूर करने का प्रयास किया गया है। और इसमें जो है कुछ उपयोगिता की भी हम दृष्टि देख लेते हैं। उपयोगिता में क्या बताया गया? तो फ्रेंड जो उपयोगिता है आपकी, उपयोगिता में आप क्या लिखेंगे कि जीवों में क्लेने और जीव उपचार में। और इसके बाद देखेंगे अगला कि नई तकनीकी जीएम के उत्पादन में। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स आज हम जानते हैं बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी क्या है? तो बायोपायरेसी में हम क्या लिखेंगे? बहुत सी व्यापारिक कंपनियां जैसे एक देश से दूसरे देश में आ जाती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए लें तो जैसे जो ऑस्ट्रेलिया कंपनी है भारत आ जाए, तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले, जो क्या था इन्होंने जो खेती की थी नील वगैरह की, तो ये क्या करते थे कि बहुत सी व्यापारिक कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश या किसी देश की भी बात कहें तो जो आकर क्या करती हैं, अत्यधिक लाभ प्राप्त करती हैं। जिससे जो क्या है हमारा जो समुदाय है, हमारा जो ग्रुप है, मतलब हमारा देश की बात करी जाए, हमारा जो देश है अनवादर देश हमारे दौरान कर क्या करें, हमारे देश की जो है संपदा, और हम बात कर सकें कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता है, मतलब प्रयोग करता है, जिसके कारण क्या है जो हमारा जो मानव समुदाय है इससे वंचित हो रहा है, इससे मतलब पिछड़ रहा है। और जो लाभ ले जाती हैं, जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां आती हैं उसका अत्यधिक लाभ ले रही हैं, और जो मानव समुदाय है, जो गठन है हमारा देश है, उससे वंचित रह रहा है। इसे ही हम बायोपायरेसी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम बायो पेटेंट। इसका भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां बायोपायरेसी के द्वारा क्या है, आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां बायोपायरेसी के द्वारा क्या कर रहे हैं, हमारे देश में आकर जो हमारे जो खाद्य पदार्थ जो मतलब महत्वपूर्ण संसाधन है उनका अति उपयोग, अति दोहन कर रहे हैं, इससे निरंतर उनकी कमी बन रही है, और जो लाभ है वो मतलब जो व्यक्ति आ रहे हैं हमारे देश में, जो कंपनियां आ रही हैं वो उसका लाभ ले रहे हैं, और मानव समुदाय भी वंचित हो रहा है उससे। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम बायोपेटेंट कहते हैं। और क्या कर रहे हैं कि रॉयल्टी वसूलती हैं, मतलब रॉयल्टी वसूलती हैं। जैसे
कोई जैसा रेत खनन होता है उसकी भी रॉयल्टी लगती है। जिस प्रकार हम कहें कि एग्जाम्पल के लिए जैसे रॉयल्टी, जैसे कोई काम चल रहा है तो उसकी फीस देना पड़ता है, वो कहलाती है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी का अर्थ क्या है कि जो रॉयल्टी होती है उसमें क्या होता है कि जो मतलब अधिक शुल्क वसूला जाता है, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी वसूलती है और इससे हमारे देश को क्या होती है, हानि होती है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम बायो पेटेंट कहते हैं। फ्रेंड्स क्या है, ये दोनों जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम से हैं, मतलब थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये पूरे पूरे मिलते हैं, इनमें सेम चीजें हैं, क्योंकि इसमें भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अति दोहन कर रहे हैं, मतलब दोनों जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है अगर इसको दृष्टि से देखा जाए तो। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस अगला क्वेश्चन है आपका फॉरेंसिक विज्ञान क्या है। तो फ्रेंड्स जो फॉरेंसिक विज्ञान क्या है, फॉरेंसिक विज्ञान बिल्कुल सेम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देख लीजिए जो मैंने पुराना वीडियो अपलोड किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। जो अपन ने जो अभी क्वेश्चन किए वो सब मैं आपको खास खास क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि कचरा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 12th के बेसिक से ये काफी इम्पोर्टेंट सेशन आपका होता है। तो फेरोसिक विज्ञान क्या है, फेरोसिक विज्ञान के अंतर्गत अपराधों की विवेचना की जाती है। इसमें इसका उपयोग इसका उपयोग जो है किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग क्या है, जैसे कोई अपराधी है उसको पकड़ने के लिए कोई किसी पिता का या माता का जो बच्चा बिछड़ जाता है तो उसको खोजने में इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसा है, ये फिंगर प्रिंटिंग जैसा ये क्वेश्चन आपका है। तो फ्रेंड्स इसमें भी क्या होता है कि मतलब जो बीज, मतलब जो अपराधी है उसने किसी का मर्डर कर दिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, तो उसको अपराधी की खोज, जैसे आपने सीआईडी देखा तो वो अपराधी की खोज किस प्रकार करता है, या तो उसके बीज लेता है, बीज या जो सर का ये बाल लेता है या रक्त का जो सैंपल लेता है, उसके द्वारा क्या होता है, उसका जो प्रयोगशाला में सैंपल प्राप्त किया जाता है कि ये रक्त किसका है, ये बीज, मतलब इस प्रकार उसका जो सैंपल तैयार किया जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम फेरोसिक विज्ञान कहते हैं और ये सिर्फ फिंगर प्रिंटिंग की भी विधि कहते हैं, इसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की विधि भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करा जाता है, जो डीएनए का क्या होता है, नमूने को तैयार किया जाता है। नमूने को क्या करा जाता है आपको, ये नमूना इसको तैयार किया जाता है। इसके नमूने को तैयार करने के बाद क्या करा जाता है भाई, इसका विश्लेषण किया जाता है। इसका क्या करा जाता है आपका, विश्लेषण किया जाता है। फिर क्या करा जाता है, इसके एंडो न्यूक्लियस की उपस्थिति, एंडो न्यूक्लियस, फिर इसको क्या करा जाता है, एंडो न्यूक्लियस की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करते हैं, हम फिंगर तैयार करते हैं। मतलब जेल से तैयार किया अपन ने, फिर इसको नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में स्थापित कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज में क्या करते हैं, हम स्थानांतरित कर देते हैं इसको। नाइट्रोसेल्यूलोज में स्थानांतरित करने के बाद क्या करते हैं, इसको 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या करा जाता है, इसको 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, ओवन में रखा जाता है। और फिर क्या करा जाता है, इसे डीएनए जो है फिल्टर पेपर तैयार किया जाता है। डीएनए का क्या करते हैं, फिल्टर पेपर आपका तैयार किया जाता है। फिल्टर पेपर तैयार करने के बाद क्या करा जाता है, इसका एक समान क्या करते हैं, इसका निष्कर्ष निकालते हैं अपन, क्या करते हैं, इसका निष्कर्ष निकालते हैं। और निष्कर्ष निकालने के बाद क्या करते हैं, इसके मतलब निष्कर्ष के बाद पता चल जाता है। तो सबसे पहले जो डीएनए फेरोसिक विज्ञान में क्या करा जाता है, पहले नमूने को तैयार किया जाता है, नमूने के तैयार करने के बाद विश्लेषण किया जाता है, फिर इसको एंडो न्यूक्लियस की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और माइक्रो सेल्यूलोज के बाद इसको क्या करते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस पर इसका ओवन करते हैं। ओवन करने के बाद क्या करते हैं, डीएनए का फिल्टर पेपर होता है, इसके बाद इसका हम क्या करते हैं, निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब जैसे कोई पिता की संतान है, मतलब
गुम गई है, तो उसका निष्कर्ष, उसका जो फिंगर प्रिंटिंग मिल जाएगा उससे उसका निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम फेरोसिक विज्ञान कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।